Hey guys, hope you're doing well. Welcome to AgriSilby. Use playback speed 1.5 or 2 for better audio experience. So, जानते हैं IRI के बारे में, ओके? Okay? IRI सभी को पता है, IRI जो कि न्यू दिल्ली में है. एंड आपको क्या क्या याद रखना है, जो जो चीज आपको याद रखना है मैं वही चीज बताते चलूंगा. 1905 में ये शुरू हुआ था, ओके? Okay? इसको पहले आप रख लीजिए, ये ओके. देन देखिए, इनमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर है IRI के अंदर, ओके. IRI एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है ICAR में, और इसका पहले नाम था इंपेरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. अभी नाम चेंज होकर हो गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. बस इतना ही चाहिए आपको, और कुछ नहीं इसके बारे में जानना जरूरी है. उसके बाद में NDRI, NDRI का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. ऑब्वियसली नाम से पता चल गया होगा, डायरी मतलब ये हमारे जो कैटल ब्रीड है, गुड ब्रीड, ऐसे डायरी पर्पज के लिए ये ज़्यादा प्रीमियम इंस्टीट्यूट माना जाता है. और ये कहाँ पे है, करनाल हरियाणा पे है, याद रखेंगे. और इसका हेडक्वार्टर जो करनाल में है वो कब सिचुएटेड हुआ था या फिर कब एस्टेब्लिश हुआ था उसको आप याद रखेंगे. 1955 में ये हुआ था, सो 1955 डेट याद रख लीजिए, ओके. उसके बाद यस, बहुत सारे अच्छा काम किया है इन डायरी सेक्टर. पीएम किसान स्कीम के बारे में जान लेते हैं. देखिए, पीएम किसान स्कीम एक पुराना स्कीम है मैं मानता हूं, पर इसका जो एक्टिवनेस अभी भी चल रहा है इसीलिए ये आज तक बहुत ज़्यादा जरूरी है, और एग्जाम में पूछने का चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, ओके. सो जानते हैं पीएम किसान स्कीम के बारे में. पहले तो जान लो कि पीएम किसान स्कीम किस किस फार्मर के लिए मतलब सुइटेबल है. वो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स के लिए ही पीएम किसान स्कीम होता है. पहले तो ये था मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर के लिए, बट नाउ इडेज ये सारे के सारे फार्मर को एक्सटेंड कर दिया गया है. तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कौन है, ये सारे के सारे चीज़ हमने प्रीवियस वाले हमारे करंट अफेयर वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जाकर उसे देख लीजिए. स्मॉल फार्मर क्या है, मार्जिनल फार्मर क्या है, मीडियम फार्मर क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर क्या है, ओके. पीएम किसान स्कीम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. इतना याद रखीजिए, सम्मान निधि, ऐसे रिलेट कर लीजिए, रिस्पेक्टेड पर्सन, किसान हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन, ऐसे याद रख लीजिए. और ये इस स्कीम के अंडर में हम क्या करते हैं, किसानों के बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपीज़ पर ईयर हम ट्रांसफ़र करते हैं. 6,000 रुपीज़ मतलब इन थ्री इंस्टॉलमेंट, मतलब 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, थ्री इंस्टॉलमेंट में हम देते हैं टोटल 6,000 रुपीज़, ओके. डन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और कितना पैसे ट्रांसफ़र करते हैं थ्री इंस्टॉलमेंट में, इतना आप याद रखेंगे. और ये जो स्कीम है ये कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, देखिए दो डेट एक्चुअली याद रखेंगे. ये शुरू हुआ था 24 फरवरी 2019, इतना याद रख लीजिए. सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ था. बस यही डेट काफ़ी है, इफेक्टिवली शुरू हुआ था. पर अगर एक और डेट भी ऑप्शन में होगा तो उसे भी आप क्लिक करें, दिसंबर 2018. देखिए, दिसंबर 2018 पे इसके बारे में बात चल रही थी, ओके, पीएम किसान स्कीम को. उसके बाद दिसंबर ख़त्म हो गया, जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी को पहला इंस्टॉलमेंट मिला फार्मर को, तो ये स्कीम एक्टिवली प्रचलित हुआ, ओके. ये है बेसिक चीज़ें हमारे पीएम किसान के बारे में. उसके बाद देखिए, बहुत सारे मैंने बोला था ICAR 64 अराउंड ICAR इंस्टीट्यूट है, ओके. तो डिटेल में जानेंगे, मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूँगा कैसे आप इजीली याद रखेंगे, ओके. पहले तो देख लीजिए, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है ये पोर्ट ब्लेयर में है. आइलैंड वार से आपको पता चल गया होगा, आइलैंड कहाँ से, आइलैंड मतलब ये अंडमान निकोबार आइलैंड हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, उसका कैपिटल है ना अंडमान का. उसके बाद सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए एरिड स्टॉर्म है, एरिड स्टॉर्म मतलब क्या है, एरिड स्टॉर्म मतलब सूखा,
तो जोधपुर राजस्थान में तो सूखा होगा ना। ओके, इसे रिलेट करके याद रखेंगे तभी ये याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ओके, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए यहाँ पे एवियन, एवियन मतलब आप बोल सकते हैं बर्ड्स। ओके, बर्ड्स यहाँ पे इज्जत नगर, याद रखिए बर्ड्स। ओके, बर्ड्स से इसको रिलेट कर लीजिए। ओके, देन यहाँ पे आई इनलैंड, इनलैंड फिशरी। देखिए इनलैंड फिशरी मतलब यहाँ पे मधुर वाटर की बात कर रहे हैं। हमारे दो तरह के वाटर होते हैं, एक फ्रेश वाटर एक ब्रैकिश वाटर। इनलैंड फिशरी मतलब आप याद रखेंगे फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कहाँ पे मिलेगा, बैरकपुर में मिलेगा, इसलिए बैरकपुर पे क्लिक करें, वेस्ट बंगाल आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर दिया गया है, तो ब्रैकिश वाटर जहाँ पे होगा उसके साइड में समंदर होगा। तो अगर आप चेन्नई सेंट्रल या फिर चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन गए हैं तो उसके साइड में क्या है ना, उसके साइड में सी है। ओके, उसके साइड में सी है, इसलिए चेन्नई लास्ट स्टॉपेज माना जाता है। सो इसीलिए ब्रैकिश अगर वार्ड आता है, ब्रैकिश वाटर वार्ड आता है तो समंदर की तरफ आप बढ़ेंगे जहाँ पे चेन्नई पे है। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन बफालोज। देखिए बफालोज, बफालो क्या है, मेल है, जस्ट फॉर रिमेम्बर पर्पज याद रखिए। ओके, एच आई एस हिज क्या है, मेल के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन गोट्स। देखिए गोट्स, गोट के साथ गोट जो गोट एक्चुअली सेवन होता है। ओके, पर हम लोग मटन यूज कर लेते हैं गोट के मीट के लिए, पर एक्चुअली गोट मीट होता है सेवन एंड शीप मीट होता है मटन। ओके, देखिए साथ ही साथ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बताते चलूँगा। मखतुम, मखतुम को आप बना लीजिए मक्खन। तो गुड के साथ मक्खन, मतलब मैं बोल रहा हूँ मटन के साथ मक्खन। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बॉयज़ को क्या बोलते हैं, पल, PAL, पल बोलते हैं। इसे मतलब रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा एडवांस, पल। सो इसीलिए इंजीनियरिंग मतलब पहल, जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, देन एरिड हॉर्टिकल्चर। देखिए पहले एक बार एरिड आया था, अभी दोबारा एरिड आता है। एरिड यहाँ पे आया था, एरिड जोन रिसर्च जोधपुर जो कि राजस्थान में था, यहाँ पे भी एरिड है हॉर्टिकल्चर का, तो ये भी राजस्थान में आपको मिलेगा बीकानेर। ओके, देन कॉटन रिसर्च। देखिए कॉटन रिसर्च कहाँ पे है, कॉटन रिसर्च नागपुर पे, आप ऐसे इसको रिलेट करिए, नागपुर तो महाराष्ट्र पे है। या कॉटन रिसर्च, कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉयल कहाँ पे अवेलेबल है, नागपुर में है। सिंपल, जो भी है मैं आपको एक और चीज़ें देख मतलब बता देता हूँ। कॉटन, कॉटन को अगर आग में डालेंगे तो वो पूरी तरह जल जाएगा। तो आग में डालेंगे AG, आग, कॉटन को आग में डालेंगे पूरी तरह जल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे कॉटन रिसर्च ओनली दिया गया है, कॉटन टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। अगर कॉटन टेक्नोलॉजी होगा तो वो भी महाराष्ट्र में होगा, पर महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा कहाँ पे डेवलप्ड है, मुंबई में है, ना कि नागपुर में। ओके, देन फिशरी टेक्नोलॉजी, फिशरी टेक्नोलॉजी कोची में है ऑब्वियसली। यहाँ पे अच्छे तरह से पढ़िए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी। देख फिशरी वार्ड है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी है, तो कोचिन में होगा क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा फिश उन लोग खाते हैं, और बोथ फिश, बोथ फ्रेश वाटर भी खाते हैं, बोथ तो सी फिश भी खाते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉमन फिशरी दिया गया है। अगर इनलैंड होता है तो बैरकपुर होगा, अगर ब्रैकिस होगा तो चेन्नई होगा, अगर फिशरी प्लस टेक्नोलॉजी दोनों होगा तो कोचिन होगा। ओके, केरला में। हाँ, देन ये चीज़ें बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। सिफा, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए CIFA। ओके, सिफा, सिफा भुवनेश्वर में है जो कि उड़ीसा का कैपिटल है, सिफा। देन कॉटन टेक्नोलॉजी में बता चुका हूँ। देखिए उसके बाद सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पे है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। सिंपल, टेम्परेट क्लाइमेट कहाँ पे है, ओब्वियसली जम्मू कश्मीर में, तो श्रीनगर में। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये चीज एक मस्त सवाल आता है, हमेशा ये सवाल पूछा जाता है AFO में, JRF, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको याद रख लीजिए, लुधियाना पे। ओके, सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए मेराइन,
एक बार फिर से मेराइन वार्ड, मेराइन मतलब जो कि ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में बोला था, तो ये कोच्चि में ही, केरला में। ओके, क्योंकि केरला भी एक समंदर के किनारे है सिक ना, उसके साइड में ही ये स्टेट है। प्लांटेशन क्रॉप, देखिए प्लांटेशन क्रॉप कहाँ पे जा रहा है। प्लांटेशन क्रॉप मतलब आप जानते हैं ना, प्लांटेशन क्रॉप मतलब जो काजू है या फिर जो कैश्यू नट आप बोल सकते हैं, रबर प्लांट। ओके, जिसको प्रोसेसिंग करके खाया भी जाता है, रॉ भी खाया जाता है, और जिसके वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप। ओके, ये कसरगढ़ केरला में है। कसरगढ़ आपको पता ही है ना, जहाँ पे सल्फान ट्रेजेडी हुआ था, जो बहुत सारे लोग मर गए थे। वो आप ऐसे करके याद रखिए, एक कैसू फील्ड था, तो एंडोसल्फान एरियल स्प्रे हम किए थे कसरगढ़ में, तो क्या हुआ था, सार वो जो एरियल स्प्रे किए थे एंडोसल्फान, वो एयर के माध्यम से जाकर पॉपुलेशन को स्प्रेड कर गया, और बहुत डाइवर्स्टिंग अपीयरेंस हुआ था। ओके, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था वहाँ पे। तो ऐसे करके रिलेट कर लीजिए, एक्चुअली ये ट्रूथ भी है। तो सेंट्रल पटाटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, देखिए शिमला में क्या ज़्यादा मिलता है, शिमला में क्या है ज़्यादा, शिमला में गोल गोल बर्फ आपको ज़्यादा मिलेगा, आइस आपको मिलेगा, तो उसी आइस को आप रिलेट कर लीजिए पटाटो के साथ। ओके, ऐसे करके याद रख लीजिए। जूट एंड अलाइड फाइबर्स, बारकपुर में हम क्या पढ़े थे, बारकपुर में हम पढ़े थे इनलैंड फिशरी। तो इनलैंड फिशरी इसको आप रिलेट कर लीजिए जूट एंड अलाइड फाइबर्स। ओके, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ड्राई लैंड तो है पर हैदराबाद में है। ओके, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद। देन इसको याद कैसे रखेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ड्राई लैंड वेरी बैड, बैड BAD याद रख लीजिए। ओके, और नेशनल राइस, देखिए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है इन इन फील्ड ऑफ राइस। ओके, बहुत सारे नया वेराइटी डेवलप कर चुका है। NRRI आप इसे बोल सकते हैं, NRRI कटक में है जो। ओके, जो कि भुवनेश्वर के साइड में। ओके, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अभी का नगर राजस्थान पे है। सीप एंड वूल रिसर्च। देन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ऑब्वियसली डेराडून पे है। डेराडून पे एक और चीज़ है, FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको याद रखना जरूरी है। सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल पे है। ओके, देखिए सॉयल सैलिनिटी, सैलाइन सॉयल आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा, सैलाइन सॉयल आपको मिलेगा डेजर्ट एरिया पे, सो होगा आंसर करनाल, पर यहाँ पे सॉयल एंड वाटर, यहाँ पे सैलाइन सॉयल की बात नहीं करा, इसीलिए डेराडून। ओके, टबाको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टबाको टबाको में सबसे ज़्यादा जो एरिया है, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, वो किस स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए राजमुंद्री होगा आंसर। ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम पे, त्रिवेंद्रम है कैपिटल है केरला का। सो ट्यूबर क्रॉप याद रखेंगे, ट्यूबर क्रॉप, पर पटाटो के लिए शिमला जाएंगे। ओके, सो इतना ही इम्पोर्टेंट था, और कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ये तो IRA कैंपस के अंदर है, और क्या, और कुछ नहीं। और हाँ, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी रांची में है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है पर एग्ज़ाम में तो इतना नहीं आता। सो इतना काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू।